कभी भी गिर सकती है शिंदे फडणवीस सरकार, उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान इस वक्त की आई बहुत बड़ी खबर। बता दें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में मध्यावधि विधानसभा चुनाव के संकेत दिए हैं। ठाकरे गुट की शिवसेना के तमाम विधानसभा संपर्क प्रमुखों की बैठक में उद्धव ठाकरे ने यह संकेत दिया है। उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वह मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहें और इसकी तैयारियों में जुट जाएं। उद्धव ठाकरे की माने तो राज्य में कभी भी मिड टर्म पोल हो सकते हैं। ऐसे में राज्य में मध्यावधि चुनाव होंगे यह चर्चा जोर पकड़ रही है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में कई बड़े प्रोजेक्ट देने का ऐलान किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस तरह के बयान और प्रलोभन चुनाव के समय में अक्सर दिए जाते हैं, ऐसे में महाराष्ट्र में कभी भी मध्यावधि चुनाव करवाए जा सकते हैं, लिहाजा हमें अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। सांसद अरविंद सावंत ने भी उद्धव ठाकरे की बात को दोहराते हुए कहा कि राज्य में मध्यावधि चुनाव की तरफ जा रहा है। अरविंद सावंत ने कहा कि महाराष्ट्र से कई प्रोजेक्ट बाहर जाने के बाद प्रदेश के लिए 225 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं, जिसमें से कुछ प्रोजेक्ट राज्य के अंदर के ही हैं। उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने कहा कि पार्टी प्रमुख की तरफ से कई सारे आदेश दिए जाते हैं, जिनमें से एक यह भी है। दिवंगत बाला साहेब ठाकरे भी इस तरह के संकेत दिया करते थे, बात चुनाव क्षेत्र की हो या फिर इस चुनाव की छोटी छोटी बात भी बात वरिष्ठ तक पहुंचाई जाती है। बीते 50 सालों से यही दस्तूर चला आ रहा है। वहीं मनीषा कायंडे ने कहा कि शिवसैनिक 24 घंटे काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि जब चुनाव आते हैं तब वह अपनी शाखा खोलते हैं। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों की शाखाएं और दफ्तर चुनाव आने पर ही खुलते हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए हम हर परिस्थितियों के लिए तैयार रहते हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर चंडीगढ़ के 16 विधायक अपात्र करार दिए जाते हैं तब नांदेड़ और लातूर के बड़े कांग्रेसी नेता मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के गोद में जाकर बैठ सकते हैं। कुछ दिनों पहले ठाकरे गुट के नेता चंद्रकांत खरे ने कहा था कि महाराष्ट्र कांग्रेस के 22 नेता शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हो सकते हैं। इससे सबसे अहम सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण का था, हालांकि अशोक चव्हाण ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है।